मुरादाबाद जनपद के मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों द्वारा चोरों को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि छपरा गांव में चोरी करने के प्रयास में आए चोर घर में रात्रि के समय कूमल काटकर चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। तभी घर स्वामी ने दीवार काटने की आवाज सुनी और देखा तो चोर घर के पीछे की दीवार में कूमल लगाकर चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें घर स्वामी ने एक चोर पर लाठी से हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। आवाज सुनकर एक चोर अभियुक्त झाड़ियों में छुप गया और बाकी भागने में सफल रहे। वहीं गांव वालों ने झाड़ियों में छुपे चोर को पकड़ लिया और डायल 112 को सूचना देकर पुलिस के हवाले कर दिया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार दिन और रात बढ़ती जा रही हैं। पुलिस चोरी पर कोई भी अंकुश नहीं लगा पा रही। वहाँ पकड़ा गया मैं कोमल काटू हो गए, देखभाल है ना रही पुलिस पुलिस की बस। इससे पहले भी कोई चोरी हुई है? हाँ, दलपतपुर हुई है, ये बीपुर में हुई है। कहाँ कहाँ सामान तो नया मैं हल पल ये ट्रैक्टर उठर जगह और उठर बैठा था। कितने लोग पकड़े हैं? रात एक पकड़ा गया। आप क्या चाहते हो? आप यही है ना, चोरों की शक्ति कर रहे हैं, चक्कर मारे शक्ति कर रहे हैं, जो जितने हैं पकड़ जाएं। वहीं स्थानीय लोगों का क्या कहना है आप भी सुनिए। रात कुछ चोर थे और इनके जाहिद भाई के घर कोमल काट लिया था। इन्होंने फोन करा, पुलिस को फोन करा, इतने हम सब लोग आए, फायरिंग कर रहे थे चोर, एक आदमी को पकड़ लिया था इन्होंने, वो भाज गए पीछे। पुलिस 20-25 मिनट बाद पुलिस आ गई। हाँ, उसको पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ, चोरी गांव में एक दो बार और आ चुके हैं चोर, मगर कुछ ऐसा हुआ ना, घटना नहीं हुई है, मगर आते रहते हैं, रोज यही ड्रामा है, दोहरे बाद चोरी हो चुकी है। रात 2-3 फायर करे थे उन्होंने, जब उनके आदमी को एक को पकड़ लिया है तब उन्होंने फायर करे थे। इतने सब लोग इकट्ठे हुए गाँव के हमारे, पुलिस आ गई थी, फिर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं बड़ी बात तो ये है कि जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम ग्रामीणों ने किया, जिसमें क्षेत्रीय पुलिस की बड़ी लापरवाही के चलते क्षेत्र में चोरी की वारदातें बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस कोई भी चोरी की वारदात को नहीं रोक पा रही।